मान लीजिए हमें क्लाइंट ने बोल दिया ये जो है ना एकदम सेम सेम कलर हो गया, कि हमें इसमें थोड़ा मल्टी कलर चाहिए। अब इसके अंदर मल्टी कलर आप कैसे करेंगे? आपको इसके अंदर अगर आपको मल्टी कलर करना हो ये पर्टिकुलर फ्लावर के ऊपर, हमें डेफिनेटली इसका एक एक फ्लावर को कट करके फिर उसके बाद उसको कलर चेंज करना पड़ेगा, तभी वो मल्टी कलर में होगा। अब जो कि आपने ये पूरा डिज़ाइन प्लेसमेंट कर लिया, मान लो ये पूरा डिज़ाइन आपने प्लेसमेंट कर लिया, अब इसमें आपको अगर मल्टी कलर करना हो तो क्या करेंगे? आपको करना पड़ेगा ना लाइक एक पर्टिकुलर फ्लावर कट करो, कट करके इसका कलर चेंज करो, देन हर एक जगह पे इसका फ्लावर कट करना पड़ेगा क्योंकि सबने अपने मोटिव को रोटेट कर लिया एंड इसका प्लेसमेंट चेंज हो गया, तो आपको एक फ्लावर कट करके वहाँ पे तो आप डाल नहीं पाएंगे, तो उसमें फिर मैच करने में इजी नहीं होगा, अनइवन दिखेगा, खराब लुक आएगा। तो हमें ईच एंड एवरी पोर्शन में जाके आपको फ्लावर को कट करना पड़ेगा, जैसे ये वाला फ्लावर का कलर हमें चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें इसके ऊपर फ्लावर को कट करके फिर हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। अब हर एक डिज़ाइन हर एक का मोटिव में जाके फ्लावर को कलर चेंज करना पड़ेगा, बट अगर हम इसको स्मार्टर बनाने रखते हुए हमें इसका फ्लावर का कलर एक पर्टिकुलर फ्लावर में चेंज करना है, तो इसको हम डायरेक्ट डबल क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्लावर को कट कर लेंगे। अभी ठीक ठाक लग रहा है। अब इसको एंटर जैसे हमने सेव करेंगे तो इसमें बेनिफिट क्या हुआ, देखिए ईच एंड एवरी फ्लावर का बंच में आपका कलर चेंज हुआ है ना, ईच एंड एवरी फ्लावर का बंच, तो ये बेनिफिट है। आप अगर इसके अंदर जाकर कोई भी चेंज करो, इवन आपको ये वाला फ्लावर भी लग रहा है थोड़ा सा चेंज करने जैसा है,